सीधी बात ये, आज ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ा दिन था, बिकॉज ऋषभ पंत ने आपको बताया मई में तो आपको नाम देने हैं, और जैसा साहब पहले बोल चुके ऋषभ पंत ने कीपिंग भी अच्छी करी और बैट, आज देखो सॉलिड चीज क्या थी, रिव्यू ले लिया उसने। पहले ना रिव्यू लेने में हिचकिचा रहा था, अब जब केएल राहुल का रिव्यू था और बॉलर को भी लग नहीं रहा था, उसी ने लिया आज और उसने लिया और आउट था। और पिछले मैच में ये बचे भी कैसे थे, आपको याद होना चाहिए कि भाई शुरू में ही वो नरेन आउट था, उसका रिव्यू नहीं लिया भाई ने तो, और बाद में ले रहा है जब टाइमर खत्म हो गया। तो यही है गलतियां जो नहीं दोहरानी चाहिए, और अच्छा हुआ कि पंत ने वो गलती नहीं दोहराई। प्लस बैट के साथ तो यार मेरे ख्याल से आप उसको बाहर रख ही नहीं सकते वर्ल्ड कप से, जिस तरीके से वो खेल रहा है, आप स्पेशली रोहित शर्मा और अगरकर साहब और जयशा साहब देख ही रहे होंगे, एवरीबडी इन द टीम, तो ऋषभ पंत को किस बेसिस पे आप बाहर रखोगे? ये कोई वानखेड़े की पिच तो है नहीं जो इन्होंने मिट्टियां डाल के बना रखी है, जी सभी मार लो, जिसपे डीके भी मार रहा है, जिसपे रजत पाटीदार, पूरे मतलब इंडिया के लिए नहीं चल रहा, आईपीएल में नहीं चल रहा, वानखेड़े में चल रहा है, सब मार रहे हैं वहां पे। तो वहां पे पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टब्स, रोमारियो, इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे आसान पिच ही वानखेड़े की पिच है। तो ये कोई ऐसी पिच नहीं है वानखेड़े टाइप की जहाँ पे इन्होंने अपने आप को, लेकिन अब तो दिल्ली वाला मैच है, आपको यहाँ पर लखनऊ की टफ पिचेस के ऊपर भी मार के दिखा दिया, आपको बाहर भी दिखा दिया, वाइजैग में भी दिखा दिया। तो ऋषभ पंत ने सारे जो बोलते हैं ना बॉक्सेस को टिक कर लिया है, और लास्ट में एक बड़ा टिक मार्क इनके सर पे लगाना है, तो करेगा कि एलिमिनेटेड मुंबई, यस टिक, बाहर चलो, वो करेंगे। हम ये बात बोली ऋषभ पंत के लिए अप्रूव्ड है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस अब दे रहे हैं, सब मान गए। लेकिन अगर इस समय हम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर बात करें, जब बार बार ये बात निकल कर सामने आती है कि आपको आपकी आधी दिक्कतें तब हल हो जाएंगी अगर आपका जो विकेट कीपर है वो ओपन करने लग जाए, और इसमें ऋषभ पंत अभी वो ओपनिंग वाली स्लॉट में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर अभी ईशान किशन एंड टू सम एक्सटेंट संजू सैमसन, ऋषभ पंत अगर क्या पता इस कारण से उनको ना बाद में दिया जाए कंटेंशन के अंदर, क्योंकि वो ओपन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इस समय इंडियन टीम तो एक ऐसा ओपनर देख रही, एक ऐसा विकेट कीपर देख रही है जो ओपन भी कर जाए, ताकि आप विद रिंकू सिंह, विद सिक्स बॉलिंग ऑप्शंस, विद विराट कोहली चले जाए। इसके अंदर एक पिच फंस रहा है ना, देखो जो आपने ओपन वाली बात करी ना, ईशान किशन नो डाउट भाई, ईशान किशन ऐसा प्लेयर बन गया है जो पिछले दो मैच से दिखा कि पहली बॉल से हिट कर रहा है, वो दूसरी बॉल का वेट भी नहीं करता, बाकी बैटर्स कर रहे हैं, पंत भी इवन कर रहा है, यही है। अगर ईशान किशन पिच पे तो यार सभी मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात रोहित शर्मा, सबसे बड़ी बात की ये हो रही है कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर है ईशान किशन, है ना, और ऋषभ पंत भी बाय द वे रोहित शर्मा का फेवरेट तो है, पसंद तो है रोहित शर्मा को, उसके लिए कंफ्यूजन ये होगी कि भाई ऋषभ पंत को लेके जाऊं या ईशान किशन को लेके जाऊं। जो आपने बोला यार ऋषभ पंत ने ओपनिंग करी है, मानता हूं, लेकिन इतने मैचेस में नहीं करी, ईशान किशन ओपनर है, दोनों जाएंगे, संजू बैठ जाएगा, ईशान किशन ओपनर है तो वो ओपन कर सकता है, सीधी सी बात है, अगर जो पहली बॉल से हिट करेगा वो चला जाएगा भाई, सीधी सी बात है, इंटेंट नाम की बात हो रही है, अभी आगे देख रहे हैं क्या करेगा वो, जब बाहर खेलना पड़ेगा देख लेंगे उसको, कंसिस्टेंट कन्वर्जन। अभी ये एक बात कंफर्म है कि इस सिचुएशन पर कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इन तीनों में से सैमसन, टफ चॉइस, ईशान और पंत, तीनों में से कौन से, तो ये कंफर्म है कि कुछ कंफर्म नहीं, अभी इन तीनों में से कोई भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, टफ चॉइस है, बड़ी अच्छा कर रहे हैं, डायलेमा है कि भाई, और सब अपनी अपनी जगह के लिए देख रहे हैं, मतलब समझ गया मैं, अब ये है कि अब आप लेकिन ये देख लीजिए, मेरे हिसाब से ईशान किशन तो रेस में नहीं है, मेरे मतलब इन्होंने रखना है रख ले जबरदस्ती आईपीएल के बेसिस पे, वो आदमी है जो वेस्ट इंडीज में T20 से ड्रॉप हो गया था, लगातार 10-12 T20 खिलाए और ड्रॉप करना पड़ गया। अभी अगर आप देखे, ठीक है ऋषभ पंत इंटरनेशनल सेट, ऋषभ को भी नहीं बोल रहा, वही बता रहा था कि ऐसे आप देख ले तो ऋषभ पंत को भी लोग बोलेंगे कि भाई इतना नहीं खेला, उतना मतलब इतना खेला है, स्ट्राइक रेट नहीं है, एवरेज नहीं है, हो सकता है आप मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे, जो पंत खेला है, सैमसन खेला है और जो ईशान खेला है, ईमानदारी की बात है मैं सैमसन को अभी भी सबसे आगे रखूंगा, सेकंड पे पंत को रखूंगा और थर्ड पे ईशान को रखूंगा, उसके बाद देखते हैं, टूर्नामेंट अभी बड़ा हुआ है तो आगे देखते हैं ईशान कितने रन मारता है, पंत कितने रन मारता है, क्योंकि पंत देखो कप्तानी भी कर रहा है, संजू कप्तानी भी कर रहा है, ईशान को वानखेड़े के पिच पे ऐसे टुच्चे बॉलर मिले हुए मार कोई ईशान को भी मारे जा रहा है उसको, ईशान को बाहर भी देखते हैं ईशान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता देख लेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से सैमसन फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस विल बी ऋषभ पंत। बाय द वे अभी तो यार जितेश को भी देखो आप, ध्रुव जुरेल को देख लेना थोड़े दिन के बाद, आप देखिए बाकी को देख लीजिए, केएल राहुल ने भी आज रन मारे, तो लेट्स सी, बट फॉर मी राइट नाउ राहुल तो बिल्कुल नहीं, फॉर मी सैमसन इज लीडिंग एंड देन इट्स ऋषभ पंत, तो लेट्स सी क्या होता है, सुपर चैट दिखा दीजिए, सुपर चैट दिखा दीजिएगा शिवांग शर्मा, ये बॉटम थ्री वाले कितने उछल कूद कर लो, जीतेगा तो सीएसके ही, सीएसके देखिए, सीएसके ऐसी टीम है जिसको हमने कुचल दिया था, षड्यंत्र वाली टीम, उसका फन हमने कुचल दिया था, और ये जो दोनों फनकार बन रहे हैं अपने सीएसके और एमआई, हम छोटे मोटे बच्चों को तो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में, इन्हीं को पकड़ के मारेंगे, देखिएगा एक को मार दिया है दूसरे को घमंड तोड़ देंगे 27 को आ गया जी, जो बॉटम थ्री वाली आपने बात करी है, अगले 8 में से 8 मैच जीत के क्वालिफाई करना,
एक काम करो, ऊपर की सारी टीमों को निकाल दो टूर्नामेंट से, आपस में कर लो एक लीग। हैदराबाद या अगला मैच हैदराबाद से, फिर केकेआर से, ये इस बार पता है रिकॉर्ड बनाएंगे सबसे लगातार हारने की स्ट्रीक। चेतन देव बोल रहे मार्क माय वर्ड्स, दिल्ली को बहुत कूटेगी मुंबई इंडियंस। भाई आपको उस दिन रेला जाएगा, पेला जाएगा, आपका मेले में एग्जीबिशन करा जाएगा। आप देखिए उड़ रहे हैं लोग, उड़ नहीं मार, बहुत बुरा मारेंगे भाई, बहुत बुरा, मजा आएगा। चलो नहीं, ऐसा है ना, अपनी पूरी जान लगा लेना, अंपायर इंडियंस सब कुछ कर लेना, अंपायर इंडियंस, अंपायर DRS सब कुछ कर लेना भाई, सब कुछ कर लेना, उसके बावजूद तुम्हें मारेंगे, देखना। आगे आ जाइए, चौके चेक करवा दो, दुद्धी कैपिटल्स को मारने की जरूरत भी नहीं है, इसको दुद्धी कैपिटल्स ले आइए, कोई बात नहीं। जसकीरत सिंह बोल रहे हैं थैंक यू सो मच सुश भाई, आपको देखकर मैंने फैंटेसी 11 पर टीम बनाने लगा था और आज 10,000 जीता हूं टीम बनाकर। देखिए मेरी बातें मानेंगे हमेशा आपकी तरक्की ही होगी, और अगर बर्बादी के मुंह में जानना है तो इनसे संपर्क करें आप जी। थैंक यू बर्बाद होना तो उनके। कोबू का संदीप बोल रहे हैं, कोबू ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मार्श आउट, फ्रेजर इन, विदाउट KD मुकेश 250 मारना था, अब दिल्ली में तांडव होगा। कोई बात नहीं, देखेंगे, अभी बहुत दूर है मैच भाई, अरुण जेटली से दिल्ली पर मुकेश के आने के बाद का मैच तांडव डिपेंड करेगा, मैच से पहले मुंबई कैसा खेल के आ रहा है, दिल्ली कैसा खेल के आ रहा है। भाई आप अगला मैच ही अंपायर इंडियंस हार रहे हैं आप CSK से, CSK से, चलो देख लेते हैं, आप अंपायर ले आइए, देख लो है ना, देख लेते हैं। नहीं परसों तो CSK में रेफरी एंड अंपायर, अच्छा उसी की बात, मुझे दिल्ली में पहले आपको CSK हराएगा, फिर आपको 18 को पंजाब हराने के लिए तैयार। बताइए आप, पंजाब पंजाब वाले भी हुंकार भर चुके हैं, हम आपको जितवा देंगे। कहां कहां से भी रहे, सिंपल सी बात है, अगर घमंड की करोगे तो हर इंसान पंगा लेने, पंजाब वाले भी रेडी आपको ठोक देंगे, घमंड मत करो। फिर विराट कोहली, ये टीमें हैं कोई, विराट कोहली ने बंद करके खोली, टीमें हैं कोई, द पॉइंट इज वो आपका घमंड तोड़ना चाहते हैं, घमंड 16 सालों में नहीं तोड़ पाए, क्या घमंड। विराट कोहली बोल रहे हैं, विराट कोहली ये भी बड़ा चौड़ा हो रहा था, बाल्टी में पैक करके रुक जाएंगे, रुक जाए, कोई बात। कल तो आपने अंपायरिंग की तो देख ली ना, अंपायरिंग छोड़ दो, विकास कुमार बोल रहे हैं CSK टॉस पे देख लेते हैं, अंपायरिंग तो बाद में, अरे छोड़े ना, शुरू से शुरू करते भाई है कि भाई ये क्या हो गया। चलो छोड़ दो, हार्दिक ने अपने सर के ऊपर से भेज दिया नजर उतारने के लिए, ठीक है ना, रेफरी साहब ने उठाया यूं कर दिया, इसमें रेफरी की गलती है ना, रेफरी ने क्यों किया, रेफरी से सवाल पूछो, रेफरी ने क्या बोला, रेफरी से सवाल पूछो, सवाल पूछिए और क्या कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन, रेफरी ने उठाया यूं करा और हार्दिक की तरफ इशारा कर दिया जी, क्या तो फैफ देख रहा है कि भाई अगर ऐसे टॉस कराना कराते ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, खुद ही कर लेते भाई, जो बता रहे हैं ना। विकास कुमार, विराट कोहली एक इंटरव्यू में बोला है कि अगर रोहित शर्मा सेमीफाइनल में 2019 वर्ल्ड कप रहता और 2023 वर्ल्ड कप 30 ओवर खेलता तो हम दोनों वर्ल्ड कप जीत जाते, जो आप बोला करते थे सुशांत जी। तो भाई देखिए, मैं तो हमेशा फेयर बात करता हूँ, मेरे कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से, ना कोहली से ना शर्मा से। मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई रोहित शर्मा जिस फॉर्म में थे वर्ल्ड कप फाइनल में, वो जो मैक्सवेल की बॉल पे छक्का चौका मार चुके थे, उसके बाद पावर प्ले खत्म हो रहा था, तब रुकना था विराट के साथ। वो श्रेयस अय्यर बात तो सही है पे छोड़ के चले गए, क्या करा उसने बात तो सही है ने, और साथ में KL राहुल पनौती सबसे बड़ी दुनिया, साथ में हांगकांग कुमार, नीचे जडेजा, ये सारे IPL प्रोडक्ट है भाई, ये इंटरनेशनल में उन्होंने कुछ ना किया। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ही दो नाम है जिन्होंने थोड़ा बहुत हमें बड़े स्टेजेस पे जो ना आगे लेके गए, बाकियों के कंधों पे आप लेके डाल के चले गए। उस दिन जो फॉर्म थी वर्ल्ड कप फाइनल में, वो तो आप सोच ही लो ना, फिर अल्टीमेट ही वो तो था, फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। जिस दिन आपका बल्ला चल रहा है, आपको लंबी पारी, ये रोहित से एक्सपेक्टेड है भाई 100 भी नहीं, 150 200 मारे हुए आदमी ने 3 बार, 100 का बंदा है भाई वो, ऑस्ट्रेलिया के सामने था वैसे ही उनका बहुत ज्यादा मारता है कोई ऑस्ट्रेलिया, और WTC में भी सेम करा था इन्होंने, WTC की सेकंड इनिंग में क्या मार रहा था रोहित शर्मा यार, एकदम से वो आया नेथन लायन उल्टी सीधी स्वीप शॉट मार के उसको आउट हो गए, मैच ही खत्म हो गया। सेम थिंग इन ODI वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये जो लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन है ना, रोहित को सोचना चाहिए कि वो बड़े दिन के बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे नहीं उम्मीद के 50-55 ये 49-48, नो, ही इज अ मैन हु गेट्स लाइक बिग हंड्रेड्स, 130-140 मारा नहीं था पाकिस्तान को, 140 मारा था और बच गई पाकिस्तान, 200 मारना था उस दिन 200 था। आगे आ जाइए, उस दिन भी वो गलत शॉट गलत था, उसने फील्डर अभी लिया था, विराट ने बोला नहीं कि फील्डर लिया, वही मार दिया और तभी इतना गुस्सा थे। संडे पता चलेगा तुक्का MI था या DC,
Suj bhai, do you rate the captains in order till now? I think Pat Cummins on top, not taking Dubey to World Cup side is suicide, बोल रहे हैं मिडविकेट. भाई captains को क्या रेट करेंगे? भाई मैं तो मानता हूँ. I think पंत ने अच्छा करा है. टॉप पे मैं पैट कमिंस को रख सकते हैं, आपने रखना है तो. बुरा तो केएल राहुल ने संजू, देखिए संजू सैमसन ही टॉप पे आएगा. बुरा केएल राहुल ने नहीं करा, बुरा श्रेयस अय्यर ने भी नहीं करा. लेकिन अगर आपको एक कप्तान चुनना है यार, संजू को ही चुनोगे आप? और संजू यार टॉप पर है, मैं तो संजू को ही रखूंगा ऊपर. संजू से थोड़ा आगे, लेकिन संजू की सेटल साइड थी, इसको पहली बार मिली है पैट कमिंस. संजू से थोड़ा आगे आई विल कीप श्रेयस. सुमोन मजुमदार बोल रहे हैं पांड्या नॉट सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड कप, सूर्या और बुमराह में भी वाइस कैप्टन एंड प्लेइंग 11 में पांड्या का जगह भी नहीं बन रहा. आपका दिमाग संतुलन थोड़ा हिल गया है या क्या हुआ आपको? ठीक है भाई, अनाउंस हो चुका है कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है. कोई ऐसी बात नहीं कि जगह नहीं बन रही है. आगे जी, पिछले मैच में देखा था धुलाई जो करी थी उसने आरसीबी की, हार्दिक पांड्या का नहीं बना. 350 बोल, कितने बोल पे 21 रन बनाए, 6 पे 21. कोई नहीं, आगे आ जाइए. विद द बॉल हार्दिक पांड्या कंसर्न है भाई, स्पोर्ट्स यारी पर है आप. 1.5 महीने पहले हमने सबसे पहले मेरे ख्याल से कुरैशी जी और इमाम ने ब्रेक की थी ये खबर. ताल्लुकात आप कुरैशी जी और इमाम तो ऐसी खबरें ब्रेक करते हैं जो मतलब बीसीसीआई को भी नहीं पता होती. आगे और उस दिन ये आदमी मतलब धाराशाही, ये क्या हो गया?